दे पाएंगे हम। स्टेप नंबर वन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है? जो स्क्रीन पे आपके एक विजिबल है एक लिंक, SOLOBE.UOD.AC.IN, इस वेबसाइट पे आपको जाना होता है। ये है सर्वर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो हाइपर लिंक है, वेबसाइट का जो लिंक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, SOLOBE.UOD.AC.IN। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आप लोग जब एडमिट कार्ड अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड करेंगे तो उस पर भी ये लिंक मेंशनड है। तो इस लिंक के लिए अगर आप याद ना कर पाए तो इस पर भी आपका ये लिंक जो है एडमिट कार्ड पे मेंशनड है। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो कुछ आपसे डिटेल्स पूछे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक आपका नेम, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर। तो आप ये दो चीज एंश्योर कीजिए कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव हो। एक्टिव बिकॉज जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर आपके जो ओटीपी आता है वो उसी पे आता है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि क्या ये वही ईमेल और मोबाइल नंबर होने चाहिए जो उन्होंने एसओएल के साथ रजिस्ट्रेशन किया है? तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके पास जो एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर हो आप वो दे करके भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको उसी से लॉग इन करना होगा। तो आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेप वन सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप जो है वो है जब फाइनल ओबी एग्जामिनेशन का डे होगा तो उस दिन क्या करना है। जब ओबी एग्जामिनेशन होगा तो जो आपको डिस्प्ले है पोर्टल, इसी पे आपको लॉग इन करना है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड से आप लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड कर लेंगे, जो आपका डेट शीट इन सब में मेंशन है, टाइम आपके ठीक टाइम पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा, हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके एंड पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है या फिर कुछ सर्वर साइड इशू है, तो अगर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है इस सर्वर पे, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप SOL की जो वेबसाइट है जिसको आप रेगुलरली गो थ्रू करते रहते हैं, SOL की जो वेबसाइट, उसके होम पेज पे ही आपके क्वेश्चन पेपर्स जो है कुछ ही टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका जो डिले होगा अगर इसमें, तो उसको कवर किया गया है ऑलरेडी। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप पहले सर्वर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप SOL की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन पेपर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टाइम ट्रैकिंग, क्या वो कितना टाइम कितना मिल रहा है। तो जो इसके लिए जो SOB एग्जाम है, इसमें आपको 3+1+1 का फॉर्मूला होता है। 3+1+1, 3 मींस आपको 3 आवर्स का आपका एग्जाम होता है, लेकिन क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, मींस आपको टोटल 4 आवर्स मिलते हैं। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कुछ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक एडिशनल 1 आवर भी मिलता है। मींस 3+1, 4 आवर तो आपको मिलते ही हैं। इसके अलावा आप एविडेंस के साथ 1 घंटा आपको और मिलता है, उसमें भी सबमिट कर सकते हैं। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये 4 आवर्स का टाइम नॉर्मल स्टूडेंट्स के, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 6 आवर्स का टाइम होता है, तो वो भी 6 आवर्स में सबमिट कर सकते हैं। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए SOL कुछ और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर आपको स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो SOL के 3 सेंटर्स, नॉर्थ सेंटर, साउथ स्टडी सेंटर एंड वेस्ट स्टडी सेंटर में भी आप जा करके अपने वो जो उसके फाइल्स हैं उसको जो है स्कैन करा सकते हैं। अब आते हैं जो स्टूडेंट्स की मैक्सिमम क्वेरीज हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या उनकी डिटेल्स होनी है, क्या चीज़ होनी है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं उसमें से। 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, चाहे वो उस वेबसाइट से सर्वर से किया हो या फिर आपको SOL की वेबसाइट से आपने किया हो, जब आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको A4 पेजेस पे आंसर लिखने हैं। A4 पेज जो है वो रूल्ड भी हो सकता है, फिर प्लेन भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, ओन हैंड राइटिंग, आपको अपनी ही हैंड राइटिंग में ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है, या तो ब्लू पेन से या तो ब्लैक पेन से। आप उसमें कंप्यूटर टाइप या फिर प्रिंटआउट्स आप स्कैन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा स्कैन करते हैं कंप्यूटर टाइप, क्योंकि ये मैंडेटरी आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, तो
तो आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए एंड ओन हैंड राइटिंग में लिखिएगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 4 क्वेश्चन की 4 अलग अलग फाइल बनेगी, 4 अलग अलग आपको स्कैनिंग करनी होगी, 4 अलग अलग पीडीएफ बनेंगी। तो इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है कि आप जब 4 क्वेश्चन करेंगे तो 4 अलग अलग पेजेस से स्टार्ट कीजिए। ओके, जब आप पहला पेज जो होगा, फर्स्ट पेज जो क्वेश्चन का होगा, उस पर आपको कुछ डिटेल्स लिखनी होंगी, लाइक आपका नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये सिर्फ आपको फर्स्ट शीट पे लिखनी है आंसर्स के, जो आप 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट शीट है उस पर ये सारी डिटेल्स लिखनी है। जो रिमेनिंग शीट्स है उस पर पेज नंबर प्लीज जरूर डालिएगा। पेज नंबर इसलिए क्योंकि जब आप स्कैन करके सबमिट करते हैं तो इवेल्युएटर को एक सीक्वेंस में मिल सके। अगर आपके एंड पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने स्कैनिंग प्रॉपरली सीक्वेंस में ना किया हो, तो इवेल्युएटर कम से कम उसको सीक्वेंस में कर ले। इसलिए पेज नंबर बाकी सारे पेपर्स पेजेस पे, सारे पेजेस पे रहेगा पेज नंबर, लेकिन फर्स्ट पेज पे अपना नेम, मैं रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से पैरामीटर्स, नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप फर्स्ट पेज पे जरूर लिखिए। क्योंकि 4 फाइल बननी है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन एक नए सेपरेट शीट से स्टार्ट कीजिए, ये आपको स्कैनिंग में हेल्प करते हैं। ओके, जब पूरा एग्जाम कर लिया, आपने लिख लिया, फिर आता है अपलोड का ऑप्शन। अपलोड के लिए आपको लास्ट टाइम तक का वेट नहीं करना है कि अगर 4 आवर्स मिले हैं तो मैं 4 आवर्स पे जा करके ही एकदम लास्ट टाइम पे अपलोड करूँ। अगर आपको 3 आवर्स में आपने कंप्लीट कर लिया है आपका एग्जाम, तो आप स्कैन करके अगर आपने पीडीएफ सब कुछ बना लिया तो आप इसे उस टाइम भी अपलोड 3 आवर्स के बाद भी इजिली अपलोड कर सकते हैं। जो आप अपलोड करेंगे तो आपकी जो फाइल अपलोड होनी है वो पीडीएफ होनी है, यानी 4 क्वेश्चंस की 4 पीडीएफ बनेंगी। एक एक पीडीएफ की जो परमिसिबल लिमिट है साइज की वो है 7 MB, यानी आप जब स्कैन करेंगे तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी फाइल 7 MB से ज़्यादा साइज की ना हो। आजकल मोबाइल में एक से एक अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आती हैं, जैसे कि एडोब स्कैन हो गया, इन कई सारी आती हैं जो इजीली आप उसमें 2-3 MB में स्कैन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इंश्योर कीजिए कि आप स्कैन करेंगे, या फिर इसकी आज ही प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि आपको एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लीजिए 4 पेज, उसको स्कैन करके उसकी साइज चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे स्कैनिंग की जाती है। अगर आप अपलोड करते हैं, जैसे आपने जब पोर्टल पे जाएंगे तो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 6, उन सब के आगे अपलोड का ऑप्शन होता है। तो उन 6 में से आपने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 1 किया है, 2 किया है, 5 किया है, जो भी किया है, उसके आगे अपलोड का बटन होगा, आप उस सेक्शन पे पर्टिकुलर जाके आप अपलोड कर सकते हैं। सपोज आपने कोई मिस्टेक कर दी, अपलोड करते आपने लिखा तो पूरा पेपर, लेकिन अपलोड करते वक्त आपने कुछ और फाइल अपलोड कर दी, कुछ गलती हो गई आपसे, तो उस 4 आवर्स के अंदर आप अपलोड करने के बाद उस फाइल को देख भी सकते हैं, एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस फाइल को ठीक भी कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 आवर्स के अंदर ही, अगर आपका वो टाइम ख़त्म हो गया तब आप ये नहीं कर सकते, तो उस 4 आवर्स के अंदर ही आप जैसी फाइल अपलोड कीजिए उसे प्लीज़ व्यू कीजिए कि आपने अपलोड किया क्या, क्रॉस चेक कीजिए उसे, ताकि आपको पता हो सके, आप कन्फर्म हो सके कि मैंने सही फाइल अपलोड करी है। ये दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए यही टाइम 6 आवर्स का है कि वो 6 आवर्स तक चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या अपलोड किया है। जब आप सारी फाइल अपलोड कर लेते हैं तो उसके नीचे एक टिक बॉक्स आता है, वो होता है UFM डिक्लेरेशन का, कि कोई आपने अनफेयर मीन्स यूज नहीं किया, उसको डिक्लेयर करके आप सबमिट कर देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था आपके सर्वर अपलोडिंग का, कि आप सर्वर पे अपलोड करते हैं। अगर आपके पास कुछ इंटरनेट ग्लिचेज आती हैं आपके एंड पे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल अभी SOL 19th 20 में, आफ्टर 19th को आपका ईमेल आईडी सब रिलीज कर दी जाएंगी। हर कोर्स के हर पेपर की एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है। मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप ईमेल से बचिए। होता क्या है कि जो सर्वर होता है ये मैप्ड होता है आपके रोल नंबर से, एंड आपके जितने भी पेपर आप देने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कोडेड होता है, तो इजीली आप जैसे ही सबमिट करते हैं वो इजीली इवेल्युएशन के लिए चली जाती हैं कुछ दिन में। लेकिन जब आप ईमेल करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है, ईमेल टोटल एक मैनुअल वर्क है, उसमें वैलिडेशन होता है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद एक एक ईमेल को मैनेज किया जाता है। तो जो आप ईमेल करने का ऑप्शन है उससे बचिए,
आप सर्वर पे ही ट्राई कीजिए, आपके पास 4 आवर कम नहीं होते, आप सर्वर पे ही अपलोड कीजिए। जब आप सर्वर पे अपलोड करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाता है, लेकिन जब आप ईमेल पे सबमिट करते हैं तो क्योंकि इतने सारी ईमेल्स आते हैं, कई बार आपको ईमेल नहीं पहुंचती हैं, और हो सकता है आपको इसका ऑटो रिप्लाई ईमेल सबमिशन का ना भी पहुंचे क्योंकि इतने सारा उस पर लोड होता है। तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सर्वर पे ही अपलोड कीजिएगा, ईमेल आईडी सबमिशन से बचिएगा। अगर आप एकदम नहीं कर पा रहे हैं सर्वर अपलोड, बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ईमेल आईडी पर सबमिट कर सकते हैं। जब आप ईमेल आईडी पे सबमिट करेंगे तो एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी ईमेल्स होती हैं उस पर वेरीफाई करना, फिल्टर करना, वैलिडेट करना एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, तो आप सब्जेक्ट में अपना एग्जाम रोल नंबर जरूर मेंशन कीजिए। पहले तो आपको ईमेल से बचना है, सर्वर अपलोड करना है, लेकिन अगर ईमेल करना भी पड़े तो फिर उसके सब्जेक्ट में अपना एग्जाम रोल नंबर जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। ईमेल्स में जब आप अपलोड कर सब सबमिट करते हैं तो इतने ज़्यादा इसमें वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सब चीज़ें होता है कि जो बच्चे ईमेल पर सबमिट करते हैं आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, क्योंकि वो टोटल मैकेनिकल प्रोसेस है, एक एक ईमेल को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, इतनी सारी ईमेल हो जाती है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली काफ़ी हद तक डिले हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं उनको, लाइक लेजिबल हैंड राइटिंग, उन्होंने कुछ ऐसी हैंड राइटिंग में लिख देते हैं कि वो टीचर पढ़ ही ना पाए इवेल्युएटर, या फिर स्कैनिंग के टाइम भी आप लिखते तो बहुत अच्छा है लेकिन जब स्कैन करते हैं तो स्कैन का जो आपका पेपर की क्वालिटी होती है, मीन्स आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है, वो टीचर देख नहीं पाता। तो एक बार फाइल को जब आप स्कैन कर लें तो उस फाइल को खुद भी देखें, जब आपने अपलोड कर दिया है तो भी उसको एक बार ओपन करके देखें कि आपने इतनी मेहनत करी है, 3-3.5 घंटे आपने लिखे हैं, बस एक गलती की आपने स्कैनिंग ढंग से नहीं की, इसकी वजह से वो थोड़ा आपको एंड पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी हैंड राइटिंग और स्कैनिंग के बाद उस फाइल को जरूर देखें। जब आप फाइल को स्कैन कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आप ऐप लेते हैं, एडोब ऐप लेते हैं, तो एडोब से जब स्कैन कर लेते हैं तो स्कैनिंग के बाद वो जो फाइल क्रिएट होती है वो उस ऐप के नाम से, उस डेट के नाम से, उस टाइम के नाम से होती है। तो होता क्या है कि जब आप अपलोड करते हैं तो इतनी सारी फाइलें होती हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आपने 3-3.5 घंटे पेपर किया एंड बस आपकी एक गलती कि आपको फाइल का नाम याद नहीं था और आपने दूसरी फाइल अपलोड कर दी, एंड इवन आपने कई बार चेक भी नहीं किया कि मैंने अपलोड क्या किया है, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आप इस चीज़ से बचने के लिए एक स्टेप कर सकते हैं कि जैसे ही फाइल को आप स्कैन करें उसे तुरंत रीनेम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट साइंस का पेपर है, आपने क्वेश्चन 1 किया है, आप उसको रीनेम कर दीजिए ईवीएस Q1 Q2 Q5 Q6। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आपको वो फाइल ईजिली एक्सेसिबल होती है, एंड आप भी श्योर, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने एकदम सही फाइल ही अपलोड करी है। तो ये प्रोसेस था ओबी एग्जामिनेशन का। एंड अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि ईमेल मैंने कर दिया लेकिन मैं कैसे कंफर्म करूं, वो SOL आते हैं कंफर्म के लिए, तो देखिए ईमेल का जो मैकेनिज्म होता है बहुत एक सिंपल होता है कि आप कुछ भी ईमेल कहीं भी करते हैं तो आपके सेंट में रिकॉर्ड में चला जाता है। आप नॉर्मल भी ईमेल्स करते होंगे तो आपके जो सेंट बॉक्स होता है उसमें वो ईमेल एज अ रिकॉर्ड चला जाता है। अगर वो डिलीवर नहीं हुआ होता है तो फेलियर का नोटिस आता है, लेकिन अगर कोई फेलियर नोटिस नहीं आया है दैट मींस आपका ईमेल सबमिट हो गया है। आपको जब ईमेल करना है तो आपको बहुत ध्यान से, अगर आपने सर्वर पे अपलोड किया है तो आपको ईमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप ट्राई कीजिए सर्वर पे ही अपलोड कीजिए, अगर सर्वर में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आपको ईमेल करना है। ईमेल जो आपके अभी अपलोड हो जाएगी 19th को आपकी अपलोड हो जाएगी ईमेल की लिस्ट, तो हर कोर्स के हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, उस पर्टिकुलर के कोड का साथ @sol-du.ac.in ईमेल आईडी है, आप तभी उसको ईमेल कीजिएगा। अभी हम थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लेंगे, तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उस पर भेज दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, एंड प्लीज़ कोई रिपीटेड क्वेश्चंस मत कीजिएगा पोस्ट, उससे क्या होता है कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस अगर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो बार बार जो है मिस हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स में प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए। ओवर टू यू मंगल सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेतांग सर, और आपने बहुत ही ब्रीफ में और जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हम लोग दोबारा डिटेल से मैं भी बताने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ रंजन जी भी हैं लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर सुधीर शर्मा सर, डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट स्टडी सेंटर,
तो सर सुधीर सर आपसे आग्रह है कि बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए और बच्चों को शुभकामनाएं भी दीजिए कि उनका फर्स्ट ओबी एग्जाम है और ग्रेजुएशन में पहली बार वो एग्जाम दे रहे हैं वो भी ऑनलाइन, तो उनका जो है उत्साह वर्धन कीजिए सर। आदरणीय सुधीर शर्मा सर। थैंक यू सर श्वेत, थैंक यू मंगल जी। बच्चों आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको हमारे कॉलेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बात जो अभी जो है प्रोफेसर श्वेतांग जी ने जो है बताया है आप लोगों को, वो बहुत ही इतना क्लियर है कि उसमें कोई और ज्यादा बताने की ना गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप पहली बार देंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारी प्रैक्टिस रही है या जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि बच्चे ना लास्ट मोमेंट पे जो है सबमिट करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि उस समय जो है अगर कई हजार बच्चे एक ही टाइम पे जो है सबमिट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको हर बार में जो है सर्वर आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, फिर आप जो है कॉल करते हैं, फिर या आप उस पर भी डालने की कोशिश करते हैं, फिर आप जो है मेल भी करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी आप जो है डालने के बाद भी आप कहते हैं कि जी रिसीविंग नहीं आई है, कैसे पता चले, डर गया नहीं जा। कई बार आप दोबारा फिर उसको कंफर्म करना चाहते हैं। अगर एक बार रिसीव हो गया है तो उसे ज्यादा कंफर्म मत कीजिए, और डालते समय ये बात ध्यान रखिए जो इवेलेटर होता है उसको बहुत दिक्कत आती है, आपके पेज हमेशा आगे पीछे होते हैं, उसको जरा एक बार देख करके पेज, जैसे कि श्वेतांग जी ने अभी कहा है, उसकी पेजिंग सही कीजिए और उसको उसी ढंग से डालिए। कभी कभी हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में क्या होता है, आप तो सोच रहे हैं कि मैंने सब डाल दिए, लेकिन जब खोल करके उसको देखते हैं, जो चेक करने वाला उसे देखता है, तो पता चलता है कि वही पेज है, बस उसके कहां गए वो पता ही नहीं चलता है। फिर जो है ये आता है कि जी ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, अब इसे ढूंढिए। बहुत से बच्चे जो है ये करते हैं, उनको कोई संतुष्टि नहीं होती, किसी भी तरह से नहीं होती, तो वो फिर बाद में स्क्रीनशॉट ला करके हमें दिखाते हैं कि जी देखो हमने डाला था, अब आप ढूंढिए कहां गया हमारा। कोशिश कीजिए टाइम का बहुत, जैसा कि बताया है भी, आप लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिए, लास्ट मिनट पे सब कुछ बिजी हो जाता है सिस्टम, और इसलिए उसमें जो है प्रॉब्लम जो है उसी समय आती है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इंतजार पता नहीं किस चीज का करते हैं, आपके पास सब कुछ मैटर है, आपको वो मैटर जो है आपके सामने रखा हुआ है, ओपन बुक है, आप पहले से तैयार हैं, आपका माइंड प्रिपेयर है, सब चीजें आपके पास हैं, तो उसको व्यवस्थित रूप से तीन तीन घंटे का टाइम मिलता है वहां जब हम ऑफलाइन जो है एग्जाम लेते हैं। यहाँ भी ओबी में भी आपको 3 घंटे तो मिल ही रहे हैं ना, 1 घंटा और भी दे रहे हैं ना आपको अपलोडिंग के लिए। हम जानते हैं कि इतना मतलब सब लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते, उसको स्कैन करने में अपलोड करने में नहीं होते, तो इसीलिए तो और 1 घंटा दिया गया है, इसके अलावा भी आपको 1 घंटा और दिया गया है, तो फिर हड़बड़ाहट किस बात की। 5 घंटे का टाइम, 3 की जगह आपको 5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। आप लास्ट मिनट पे ये मत कीजिए। मैं अपने तजुर्बे से ये समझ रहा हूं कि आप करते क्या है कि आप सोचते हैं कि जितना सामने रखा है सबका सब उसमें लिख दूं, और उसमें क्या है कि आप जो है लास्ट के 5 घंटे भी जो है 4.5 घंटे उसी में ले जाते, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो उसमें जो है स्पेस जो है फिक्स है कि इतने आप जो है कर सकते हैं, तो आप उसको उसी तरह से रखिए ताकि ना तो आपको दिक्कत हो और